कोविड-19 के कारण पिछले 2 सालों से त्योहारी सीजन पर भी असर पड़ा है, मगर इस आपदा के दौर में भी हर कोई पर्व को खास बनाने की कोशिश कर रहा है। राखी के त्योहार को विशेष बनाने के लिए कोरबा की महिलाओं ने सकारात्मक पहल की है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा इको फ्रेंडली राखियां बनाई गई हैं। खास बात यह है कि राखियां धान, चावल, गेहूं और सब्जियों के बीजों से सजाई गई हैं, जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक हैं। कौड़ी, रुद्राक्ष, गेहूँ, सौंफ से बनाया जा रहा है राखी। पेपर से गोल काट लेते हैं, पेपर वाला चाट लेते हैं, गोल काटते हैं, फिर उसमें गोंद रखते हैं, फिर उसके किनारे किनारे पूरा गोंद रख के अपना धान जो है उसमें रखते हैं, फिर बीच में रुद्राक्ष या कौड़ी रखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया था, उसके बाद ही हम लोग शुरू किए गए हैं। यहाँ के एडियो सर हैं हमारे, वही हम लोग को प्रशिक्षण दिए थे। पैरा से और घर में जो उपयोग जो होने वाले जो जैसे धान है, चावल है, इन चीज़ों से भी हम लोग राखियाँ तैयार किए हैं और कोशिश किए हैं कि ये राखियाँ जो है वो सस्ती भी हो और सबको आसानी से उपलब्ध भी हो। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है सर कि जितनी भी दीदियाँ जो आप बना रही हैं राखियाँ, ये बड़े प्यार से राखियाँ बना रही हैं। ये चाइनीज़ राखियाँ नहीं हैं जो मशीन से बन के आती हैं, ये सारे के सारे राखियाँ जो है वो हाथ से तैयार की रही हैं, बिल्कुल परंपरागत राखियाँ हैं। और हम तो पूरे ज़िले से अनुरोध करेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। और आगे बढ़ते हैं, आगर मालवा की अगर बात करें तो हर साल सरहद पर तैनात देश के वीर सैनिकों के लिए बच्चे और शिक्षिकाएं अपने हाथों से रंग बिरंगी राखियां बनाकर भेजती हैं। बच्चों में देश प्रेम और स्वदेशी की भावना बढ़ाने के लिए हर बार प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते बच्चों ने घर से ही राखियां बनाकर भेजी हैं। इन बहनों का कहना है कि सीमा पर तैनात फौजी भाइयों की कलाई रक्षाबंधन पर सुनी नहीं रहनी चाहिए। सैनिकों को भेजी जाने वाली राखियों में इस बार बहनों ने तिरंगे का भी खास ध्यान रखा है। इस बार भी सब लोगों ने मिलकर 250 से ज्यादा राखियां तैयार की हैं। सीमा पर जो जवान हैं, जो हमारी देश सेवा में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए भेजा जाए, तो हमने ये जो राखियां हैं ये उनको भेजना प्रारंभ किया। और पिछले 3 वर्षों से हम लोग ये लगातार भेजते आ रहे हैं और इस वर्ष ये हमारा 4th वर्ष है जब हम लोग जो बच्चों के द्वारा जो राखियां बनाई गई हैं, इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन कंपटीशन और आयोजित किया था जिसमें स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों के बच्चों को भी इसमें हमने शामिल किया था। और बच्चों के साथ साथ स्कूल के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे भी, और साथ ही जो बच्चों के पालकगण हैं, उन लोगों का भी हमें सहयोग प्रतिवर्ष मिलता आया है और इस वर्ष भी हमें भरपूर सहयोग उन लोगों का मिला है। ये प्रेरणा सर से और बाकी स्टाफ से मिली कि हमें उन लोगों के लिए राखियाँ भेजनी चाहिए जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि राखी का त्यौहार सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो लोग वहाँ रहकर अपनी बहनों से राखी नहीं बनवा पाते हैं। तो जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वैसा उनके लिए भी होता है, तो इसीलिए हम लोगों को ये सुझाव सर से मिला, जिसकी प्रेरणा सर से मिली और हम लोगों ने राखियाँ वहाँ पर भिजवाने के लिए तैयार कर। भाई बहन का रिश्ता इस रक्षाबंधन और ज्यादा निखरने वाला है, क्योंकि इस पवित्र रिश्ते को संजोने के लिए दुर्ग की महिला समूहों ने पंचगव्य से पवित्र राखियां तैयार की हैं। इन राखियों में ना सिर्फ बहनों की मेहनत है बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की भी झलक दिखाई देती है। ये राखियां और महिलाओं का ये प्रयास प्रदेशवासियों को खूब पसंद आ रहा है और इन राखियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। गोबर में पंचगव्य वगैरह पूरे मिट्टी ये सब मिले हुए हैं और एक सीप का है, वो भी नेचुरल चीज़ें हैं। खुशी तो बहुत हुई सर, क्योंकि हम लोग वैसे तो छोटे गांव से शहर से है, तो जब हमको पता चला कि बाहर के लोग हम लोगों को प्रोत्साहित कर ले, हम लोगों की चीज़ों को पसंद कर रहे, तो और हम लोग उत्साह से और अच्छे से बनाने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के लोग सामान को लोग बहुत पसंद किए हैं राखी को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो गोबर को प्रमोट कर रहे हैं जिस तरह से, तो हम लोगों ने भी सोचा कि चल गोबर से राखी बनाते हैं, तो गोबर के राखी को पंचगव्य का रूप दे करके जो एंटी रेडिएशन का काम करता है, तो हम लोगों ने गोबर से राखी बनाना, उसका मोती बना करके फिर उसको राखी का रूप दिए हैं। सीखने में थोड़ा हेल्प करने में दीदी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और उनका देख के मैं भी थोड़ा बहुत सीख जाऊँगी, इसलिए आती हूँ। अच्छा लगता है कि मैं भी उनके जैसे बनूंगी। प्रदेश की सुरक्षा में तैनात जवान त्योहारों पर भी अपने घर नहीं जा पाते हैं, ऐसे में पुलिस जवानों के लिए रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया गया।
केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन की बहनों ने मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात जवानों को राखियां बांधी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी विश्वास कुमार भटेले मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर इस बार भाइयों की कलाई पर जो राखियां सजने वाली हैं वो भी बेहद खास हैं। इन राखियों में भाई बहन का प्यार तो होगा, साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी और इनमें छिपा होगा पर्यावरण संरक्षण का संदेश। ये राखियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। किसी राखी को चावल के दानों से तैयार किया गया है तो किसी राखी को धान के दानों से सजाया गया है। राई, मोती, कौड़ी, सीप और रुद्राक्ष जैसी चीजों से तैयार ये राखियाँ अपने आप में खास हैं, जिनमें भाई बहन का प्यार तो है ही, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक भी साफ देखी जा सकती है। साथ ही ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जो पर्यावरण के लिए भी खास है। हमारी जो पीआरपी मैडम है वही हम लोगों को प्रशिक्षण दी राखी का, और इसमें मौली धागा और धागा हो गया, कुछ धान का भी है, चावल का भी है, मोतियों का भी है, स्टोन वगैरह का सारा मटेरियल मिला के बना रहे हैं। ये हम लोगों को 8 दिन हो गए बनाते हैं। ये सर हम लोग इस बार अपना पर्सनली मिला के, यानी जो हम लोग दीदी लोग जमी के बना रहे हैं, अपना पर्सनली पैसा मिला के बना रहे हैं। कितनी महिलाएं इसमें काम करती हैं? इसमें हम लोग 5 जन हैं। 10 पंचायत में बैठक होती है, उसमें ले जाएंगे और फिर स्टॉल लगाएंगे पिंडरा में। पिंडरा में स्वसहायता समूह की महिलाओं ने इन रंग बिरंगी राखियों को बनाया है। बिना प्रशिक्षण के ही महिलाएं राखियां बना रही हैं, जो 5 रुपए से लेकर 50 रुपए की रेंज में है, जो बाजार में मिलने वाली राखियों से भी सस्ती है। के मटेरियल लाए हैं मार्केट से, है ना, जैसे हम धान के देखे हैं कि किस तरह से राखी बनाते हैं, धान के, चावल के, चना दाल के, है ना, चना के, लौकी बीजा के, उस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं, उसी प्रकार के बीज के। जो महंगी है उसका स्टोन मतलब चमकदार है, है ना, तो उसको हम लोग जहाँ मार्केट में भी वही रेट मतलब 40-45 में मिलते हैं, लेकिन हम लोग 40 में दे रहे हैं। मोती वाला है, कितने की? 5 वाला, मार्केटिंग के लिए सहयोग करेंगे। ये राखियां जब भाइयों की कलाई पर सजेंगी तो अलग ही छटा देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्हें बनाने का काम बहनों ने किया है और इनके एक एक धागे में बहनों की मेहनत और प्यार पिरोया गया है। मुकेश विश्वकर्मा, बंसल न्यूज़, पिंड।